हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू बेस्ट मोस्ट ट्यूटोरियल। आशा है कि आप लोगों की जो एलटी की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। कुछ शॉर्ट नोट्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन के कि जो हमारे 10 डेज समथिंग बचे हुए हैं उसमें हम तैयारी कैसे करें। कुछ लोगों का मानना ये है कि जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी और फिर हमें तैयारी के लिए कुछ टाइम मिलेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब भी अगर मैं अपना एक्सपीरियंस करूं कहूं गवर्नमेंट सेक्टर का तैयारी का, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और उससे मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ। जो मैं आप लोगों को कहता हूं कि 4 बार सिलेक्शन हुआ है, तो उसके पीछे का जो रीज़न था वो क्या था, और जब सिलेक्शन नहीं हुआ तब का रीज़न क्या था। पहली चीज़ ये थी कि जब पहले 2014 से पहले जब मैं तैयारी कर रहा होता था, तो मैं थोड़ा सा ये एक लेजी माइंडसेट होता था कि ठीक है, डेट एक्सटेंड हो सकती है या जब पूरी तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम तब एक्टिव मोड में आते थे, ठीक है, तैयारी के। लेकिन बाद में जब 2014 के बाद जब ठान लिया कि अच्छा ठीक है, फाइनली तैयारी करनी है, तो उसके बाद कभी ये नहीं देखा कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कब कौन सी डेट है, कौन सी चीज़ है। ठीक है, बेसिक चीज़ें जो थी वो सेम रहती हैं। आप लोगों ने देखा होगा इंग्लिश लिटरेचर क्या कोई भी एग्जाम हो, किसी भी जगह का हो, ठीक है, स्टेट का हो, सेंटर का हो, किसी भी स्कूल का हो, तो उसमें क्या होता है, बेसिक चीज़ें लगभग आप लोगों की सेम रहती हैं, है ना। जो बेसिक राइटर्स होते हैं, जो लीडिंग राइटर्स रहते हैं, जितने भी राइटर्स पूछे जाते हैं वो लीडिंग राइटर रहते हैं। तो अपनी तैयारी को कभी भी ब्रेक नहीं दिया। इसमें ये मान के चलिए कि जो 2 ढाई साल का टाइम था उसमें कॉन्टिन्यूअस 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे थे। उसके अलावा जो 4 घंटे बढ़ाने की मैंने आप लोगों को टेक्निक्स बताई थी कि चाहे वो कार्ड्स थे, जैसे मैं खुद प्राइवेट सेक्टर में काम किया करता था, तो अपनी क्लास में जो मेरी क्लासेस होती थी 3 से 4 या 5 6 क्लासेस होती थी, उनमें मैं जाकर अपने जेब में 10 10 कार्ड्स हमेशा रखता था। टॉपिक वाइज अपने साथ कार्ड्स ले गए और वहीं क्लास में अपना कुछ टाइम मैनेज करके उनको भी पढ़ते रहे। इससे अलावा भी जैसे कहीं भी जा रहे हैं तो अपना जो एक तरह से आप कह सकते हैं मेमोराइजेशन, आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, कोई टॉपिक आपने स्टडी किया, अब आप चले गए मार्केट की तरफ को, ठीक है, तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। या तो आप क्या कीजिए, सिंपली उस चीज़ के बारे में, अपने मार्केट के बारे में सोचिए, दुनियादारी के बारे में सोचिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा है, आपने विलियम शेक्सपियर के 15 वर्क्स या 20 वर्क्स को एनालाइज करते हुए आप मार्केट तक गए, उसके बाद आप वापस आ गए, इससे क्या होता था, टाइम बचता था। उसके अलावा जो होता है, आप ऑडियोज का यूज कर सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पर जो माइंड सेट की बात आ रही थी कि 10 डेज के बाद टाइम एक्सटेंड होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है, जैसी आपकी तैयारी चली है उसको चलने दीजिए। अगर 18 के बाद में टाइम एक्सटेंड होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो वो तो भी अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों को ये माइंड सेट लेके नहीं चलना है कि टाइम एक्सटेंड होगा या क्या होगा। अब चलिए चलते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ, जो कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोगों का जो निक नेम है या पेन नेम यूज करते थे राइटर्स, उनका है डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ जो डेथ ईयर है उसको हमने क्या किया है, ऐड कर लिया है। इसलिए ऐड कर लिया है कि आप एक सामने ही पूरे के पूरे जो आपके 40 राइटर्स हैं उनका रिविजन कर पाओ आप, जो सर्फेशियल आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये तो मान के चलिए कि जो ये PDF है इससे आपके 3 4 5 6 क्वेश्चंस बनेंगे इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि बेसिक से आप लोगों के इतने क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, आपका जैसे शेक्सपियर का है 1564 में, 1616 में उनकी डेथ हुई थी, उन्हें बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता था। उसके बाद आ जाते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ, बर्थ ईयर 1856। अब इन केस कभी क्या होता है कि कोई मिस्टेक हो गई, सपोज कीजिए टाइपिंग मिस्टेक हो गई, पढ़ाते हुए मिस्टेक हो गई, लेकिन ये PDF आप लोग एज अ गाइड यूज कर सकते हैं। आप ये यूज कर सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों को ले अपने लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करने, किस लिए किस तरह से आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 1950, और उनका जो होता कॉनराडी बेसेटो, ठीक है, वो एज अ पेन नेम इसको यूज करते थे। नोबेल प्राइज लिटरेचर 1925। उसके बाद आ जाते हैं गिरीश कर्नाड, बर्थ ईयर 1938, 2019, एंड पेन नेम वो यूज नहीं करते थे। ज़्यादातर जितने हिंदी मीन्स इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश है वो लोग अपना पेन नेम यूज नहीं करते थे, बहुत कम लोग करते थे, या आप लोगों ने देखा होगा कामला दास कोई पोइट यूज कर लेते थे। अवार्ड इनको जनरल पीठ अवार्ड मिला था 1998। नेक्स्ट है आप लोगों का
जॉन मिलिंगटन असेंज, इन्हें ज़्यादातर इनका नाम जो होता है शॉर्ट में लिखा जाता है जेएम सिंच, ठीक है। तो जेएम सिंच जो थे 71 एंड 09, आप लोगों को याद रखना है 1909, पेन नेम नन एंड अवार्ड्स नन। नेक्स्ट इज जॉन डन। जॉन डन का बहुत जगह आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन इनका जो पेन नेम यूज किया जाता था, उन्होंने जैक डन यूज किया था कुछ वर्क्स में, ठीक है, बहुत माइनर यूज किया था उन्होंने जॉन डन ने 1572 to 1631। उसके बाद आ जाते हैं अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप 1688 एंड 1744, यहाँ आप लोग देख सकते हैं 44 88, तो ये इजीली आप लोगों को लर्न हो जाएगा। इनका निक नेम था, पेन नेम नहीं था बल्कि निक नेम था। जहाँ पे निक नेम होगा यूजुअली मैंने वहाँ पर क्या कर दिया, निक नेम लिख लिया है, द विकेट वास्प ऑफ ट्विकेनहम। अब वास्प उनको क्यों कहा जाता है, इसलिए बोला जाता है कि ये ज़्यादा इनके सटायर्स की वजह से इनको क्या किया जाता था, द विकेट वास्प ऑफ ट्विकेनहम बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ 1717 एंड 1850, पेन नेम इनका क्या था, इनको टर्ड्सवर्थ बोला था लॉर्ड बायरन ने, ठीक है। एंड इसके अलावा जो वर्ड्सवर्थ को कहा जाता था मैसेंजर ऑफ नेचर भी कहा जाता था वैसे। अवार्ड जो मिलता है, मिला था इनको पोएट लॉरेट 1843 में। जॉर्ज जॉन कीट्स, बर्थ ईयर था 1795 1821, एंड पेन नेम्स कैविया एंड पनी जंकिट्स इनको कहा जाता था। अवार्ड्स, इनका ये पेन नेम नहीं था बल्कि इनका निक नेम भी था, और इन्होंने एक सिंगल सिंगल वर्क में इसे अपना एज अ पेन नेम भी यूज किया था, ठीक है। तो पेन नेम या निक नेम से क्वेश्चन अगर आ जाता है, मेन ये है कि अगर जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राइटर है, क्योंकि आपके जितने भी राइटर हैं उससे रिलेटेड आप वर्क उनको याद कर लीजिए। अल्फ्रेड टेनिसन, बर्थ ऑफ ईयर 1809 1892, ही डाइड, एंड पेन नेम नन, पोइट लॉरेट उनको मिला था 1850 में। रॉबर्ट ब्राउनिंग, बर्थ ईयर 1812 1889, डेथ एंड पेन नेम एंड अवार्ड्स नन। अब आ जाते हैं टी एस एलियट, बर्थ ईयर 1988 1965, इन्हें अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। डब्ल्यू बी एट्स 1865 1939 में इनकी डेथ हुई थी, एंड पेन नेम नन, नोबेल प्राइज इनको मिला था 1923 में। वॉल्ट विटमैन, बर्थ ईयर 1892, मॉस वॉल्सर इनको कहा जाता था, ठीक है, इनका जो पेन नेम था मॉस वॉल्सर ही यूज करते थे, अवार्ड नन। एमिली डिकिंसन 1830 1886, पेन नेम द न्यू इंग्लैंड मिस्टिक। ये इनका पेन नेम के साथ साथ इनका क्या है, इनको निक नेम आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, उनको दूसरा सेकंड नेम यूज किया जाता था। नेक्स्ट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बर्थ ईयर 1874 1963, नन एंड पुलिजो प्राइज फॉर लिटरेचर 4 times ही गॉट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सिल्विया प्लैथ इनका जन्म जो हुआ था 1932 1963 में इनकी डेथ हुई थी। विक्टोरिया लूकस इनका पेन नेम था, एंड पुलिजो प्राइज इनको मिला था पोएट्री के लिए 1982 में। निजी मिस्की 1924, डेथ ईयर 2004, नन, एंड साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1983। ए के रामानुजन, यहाँ पर आप लोगों का इनको इनका जो बर्थ ईयर है 1929 एंड 1993, पेन नेम नन, साहित्य अकादमी 1999, पोस्टमसली मिला था डेथ के बाद। सरोजनी नायडू 1879 1949, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता था, ठीक है, इनका पेन नेम नहीं है ये भी इनका क्या है, निक नेम है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है। अवार्ड केसर हिंद मेडल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। कामला दास का फेमस है ये नाम, माधव कुट्टी, ठीक है, 1934, बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में, तो याद कर लीजिएगा आप। डेथ ईयर 2009, साहित्य अकादमी अवार्ड 1985 में इनको मिला था। थॉमस हार्डी, बर्थ ईयर 1940 1928 में इनकी डेथ हुई थी, पेन नेम नन, अवार्ड नन। चार्ल्स डिकेंस, बर्थ ईयर 1812 1870, चार्ल्स डिकेंस को बोला जाता था बॉस, अवार्ड्स नन, इनका पेन नेम था, ठीक है, बॉस उनका क्या था, पेन नेम था। वर्जीनिया वुल्फ, बर्थ ईयर 1882 1941, पेन नेम इनका ईवी ओरियल था, ठीक है, ये आप लोगों को याद रख लेना, ईवी ओरियल इनका पेन नेम था।
मुल्क राज आनंद, बर्थ ईयर 1905, 2004 में इनकी डेथ हुई थी। नन एंड साहित्य अकादमी इनको मिला था 1968। आर के नारायण, बर्थ ईयर 1906, डेथ ईयर 2001, और पेन नेम इनका कोई नहीं था। साहित्य अकादमी अवार्ड जो मिला था इनको इस वर्क के लिए मिला था, ठीक है, इनके वर्क के लिए मिला था 1960 में, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। आप लोग इसको दीजिएगा द गाइड, आप लोगों को याद रखना है द गाइड। ये पब्लिश हुआ था क्या 1958 को, अवार्ड मिला था 1960 में। नेक्स्ट फ्रांसिस बेकन, 1561-1626, अवार्ड नन एंड पेन नेम नन। जोसेफ एडिसन, इनका जो बर्थ ईयर था 1672 एंड डेथ 1719, ये कम से कम आप लोगों को सारे याद कर लेने हैं। चार्ल्स लैम, इनमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चार्ल्स लैम का जो पेन नेम था वो इलिया था, 1775-1834 डेथ ईयर। विलियम हैजलेट, 1778-1830 में इनकी डेथ हुई थी, पेन नेम नन, अवार्ड नन। महात्मा गांधी 1869-1948। नेक्स्ट इज एजी गार्डनर, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, 1865-1946, आप लोगों को याद रखना, अल्फा ऑफ द प्लो, ठीक है, यहाँ पे ये इनका पेन नेम था। बर्टन रसेल 1872, डेथ ईयर 1970, पेन नेम नन, अवार्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1950। नेक्स्ट इज एस राधा कृष्णन, बर्थ ईयर 1888, 1975 भारत रत्न अवार्ड मिला था इनको 1954 में। अमिताभ घोष, यहाँ पे इनका जो जन्म हुआ था 1956 एंड नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इज ईयर, सो अवार्ड जननपीठ अवार्ड 2018। एंड अरुंधति रॉय, बर्थ ईयर 1961, नॉट एप्लीकेबल, एंड बुकर प्राइज मिला था इनका 1997। सादत हसन मंटो, ठीक है, इनका वर्क आप लोगों के पास में है, बर्थ ईयर 1912-1955, निशानी इम्तियाज इनको मिला था पोस्टमसली। सो वी हैव डन दिस ऑल, तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी जो तैयारी के बारे में सारी बातें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो पीडीएफ है ग्रुप में आप लोगों को मिल चुकी है, होपफुली आप लोगों से लर्न कर रहे होंगे, और जो भी आप लोगों को नेक्स्ट अगर कोई टॉपिक है जिसमें आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।